कांग्रेस की ओर से उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए एक तरफा तौर पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का आरोप लगाया। वही एक दिन बाद दोनों दलों के बीच बुधवार को समझौता हो गया। अब शिवसेना यूबीटी 4 सीट पर और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विधान परिषद की 4 सीट मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए द्विवार्षिक चुनाव मतदान 26 जून को होगा। वही 1 जुलाई को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस की ओर से उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए एक तरफा तौर पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का आरोप लगाया। वही एक दिन बाद दोनों दलों के बीच बुधवार को समझौता हो गया। अब शिवसेना यूबीटी 4 सीट पर और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विधान परिषद की 4 सीट मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए द्विवार्षिक चुनाव मतदान 26 जून को होगा। वही 1 जुलाई को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।